वो इनका वो स्टैंड है ना। लो जी हेलो 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 खाले चेक करी। हेलो 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 यार केबल ही बड़ी पे। हेलो 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 आ गई। ओके हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 चलो पास अप चलो सारे ने चलो यार ये लो स्टार्ट चल लगा बेटे जल्दी कर। ओके चलो ओके ओके चलो जी छोड़ दो। हां देख चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो जी छोड़ दें भाईजान सारे उतर ही देने। चलो जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपने सुबह देखा कि सियासी यतीमों का टोला जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने जो इन्होंने अवाम के साथ सलूक किया है सिर्फ 8-9 माह की कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, महंगाई 400-500 गुना बढ़ा दी है कई और इकॉनमी को तबाह कर दिया। और अब ये सियासी यतीमों का टोला और एक जो जिसका एक ख़ानदानी पेशा है पैसों का बांटना और जिस तरह से जोड़ तोड़ करना और ब्रीफकेस लेके कभी इधर जाना तो कभी उधर जाना, जिस तरह से ये आके टकरे मार रहे थे सुबह पंजाब असेंबली के गेट के ऊपर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनको अवाम का लाइनों में खड़े होके पैसे के इवज आटा वसूल करते हुए शहादतें याद नहीं हैं। इनको ये याद नहीं है कि इन बदबख्तों के आने से इस मुल्क से बरकत उठ गई है, इस मुल्क में हर तरफ हुका आलम है, इस मुल्क की मईशत बर्बाद होगी, इंडस्ट्री बंद हो गई, अगर कुछ चल रहा है तो वो इनका कारोबार चल रहा है, करप्शन का बाजार गर्म है। 78 रुकनी चूँकि बात ठीक है, जब आप इतनी लंबी इतनी बड़ी तवील आप माशाल्लाह से जो ऑरेंज ट्रेन के जितनी लंबी आप कैबिनेट बनाएंगे तो इसी तरह वो इधर उधर ही धक्के खाएंगे, अपना काम छोड़ के कभी पंजाब असम्बली में घुसते हैं और कभी कोई सिंध से आ जाता है सलाब जदगान के लोगों के गरीब आवाम के टैक्स का पैसा आटे का पैसा गंदम का पैसा चोरी करके, वो चूहे जो ये बाद में बताते हैं कि इतने अरबों रुपए की गंदम खा गए थे, वो चूहे हमें नज़र आ रहे हैं। ये बिगोड़े जो जिनके लीडर भी भागे हुए और ये खुद यहाँ पर रह के इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ नंबर हमारा पूरा है। जिस दिन आप लोगों ने ये गेम शुरू की है इसका इख्तिताम हम करेंगे। ज़रा गिनती होने दो फिर अपनी सफ़ों में तलाश करना कि कितने चूहे भाग गए और कितने आपके साथ बाकी हैं। अवाम से आप भाग रहे हो और आपका भागना बनता है, कोई एक कदम आप लोगों ने ऐसा नहीं उठाया जिससे अवाम की ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी आती। आप 10 रुपए की रोटी के ऊपर सारा वक्त एक नन्नी मुन्नी मार्च लेके निकला था बिलावल, कांपे टांग जाने वाला मार्च उसने किया, दूसरी निकली थी अपने कज़न को साथ लेके अब्बा की फ़ोटो लेके गुजरांवाला तक दम तोड़ गया, उस वक्त रोटी 10 रुपए की थी। आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 रुपए की रोटी और 35 रुपए का नान हो चुका हो आपके जो कदम रंजा आपने फरमाए। आप जिस तरह से भी मुसल्लत कर दिए गए हो एक अजाब की तरह इस मुल्क के ऊपर, तो जाओ अपने काम के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर खाक छानने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर पूरा है, आपकी सफ़ों में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनको पीटीआई की टिकट चाहिए, जो आपके निशान के साथ जिसको मैं निशाने इबरत करार दे चुके हैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। आपको भले जितनी मर्जी ताकतें भले जितनी मर्जी सपोर्ट का आपको जोम है, ये जोम आपका धरे का धरा रह जाएगा। आप एक एक ओछात कंडा अपना लो। कभी आप इलेक्शन कमीशन को अपनी सपोर्ट में इस्तेमाल करते हो, वो एक आइनी इदारा जिसको अपनी इज्जत कराने का बड़ा शौक है, तो मैं उनको अर्ज़ करती हूँ कि कोई इज्जत वाले काम भी करने चाहिए, इज्जत तब मिलती है। आप सिवाय एक सबसे बड़ी वफाक की बड़ी जमात को उनके और पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर सबसे बड़े वोट बैंक वाले लीडर, आप उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने से फुर्सत मिले तो आपको पता चले कि आपका काम इलेक्शन कराने का है। जिस तरह पीडीएम भाग रही है इलेक्शन में जाने से, इसी तरह आप भाग रहे हो इलेक्शन कराने से। सो मैं दोनों को ये बताना चाहती हूँ इलेक्शन तो होना है, वो तो हो के रहेगा इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में आप देखेंगे। और हमारा जो जोरे बाजू है या जो हमारी ताकत है वो अवाम है और हम अवाम की ताकत हैं, हम एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं।
जरा एक एक हलके का सर्वे कराओ, तुम लोगों का भागना बनता है, तुम लोगों का डरना भी बजाय, इससे मैं इत्तफाक करती हूँ। लेकिन इलेक्शन तो होना है, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत है। ये मुल्क आपने ठेके पे लिया ज़रूर है, लेकिन आवाम ने आपको ठेके पे देने से इनकार कर दिया है। जिनको आपने पैसे भरे थे वो चले गए हैं, अब जो रह गए हैं वो आपसे हिसाब भी मांगेंगे, किताब भी मांगेंगे। और वॉल्यूम 10 इंशाल्लाह जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी, सारे के सारे वॉल्यूम अब कौम के आगे हमें अयां करने पड़ेंगे। ये आधा खेल, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, क्योंकि इन आधे तीतर आधे बटेर की खमियाजे हमने भुगते हैं, पाकिस्तानी कौम ने भुगते हैं, कि हमारा कशकोल ख़त्म होने की बजाय बढ़ने, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ता ही जा रहा है। और सुबह खुशखबरी क्या दी जाती है, अच्छा जी हमें आज भीख में अच्छे पैसे मिल गए हैं। वो भीख नहीं मिली आपको, वो कर्ज़ा है जिसका सूद आप सिर्फ लौटाते हो, और उससे ज़्यादा कर्ज़ा मजीद लेने के लिए कशकोल बढ़ाते हो, और अवाम का वो पैसा जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दुनियावी ममालिक हमें देते हैं, वो आप अलल्ले तलल्ले आपस में बंदर बांट की तरह सारी पीडीएम की जमातें बांट रही हैं। जिसको मुंह मारना कम होता है वो अगले दिन ब्लैकमेलिंग करता है, उसको आप कैबिनेट में एंटर कर लेते हो। अवाम ये सारा खेल तमाशा देख रही है, एक एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है। और जब आपको और कुछ नहीं मिलता तो आप पंजाब के अंदर इंतशार फैलाने के लिए सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के अलावा, ये जो इधर आके घुस के बैठे हुए हैं, ये क्रिमिनल मिनिस्टर, ये लॉलेसनेस मिनिस्टर और कुछ भी नहीं है। स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि जितनी देर इनके बूथे आते हैं उतनी देर आटे की फुटेजेस नहीं आती, उतनी देर इकॉनमी और मईशत का जितना बुरा हाल है वो नहीं आता। सियासत को इसलिए इन्होंने गर्म रखा हुआ है, वरना इनको भी पता है कि इनके अब खोटे सिक्के भी इनके इनका साथ देने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नंबर भी पूरा है, हमारे लोगों को अपने लीडर के ऊपर एतमाद भी है, और किसी को शौक नहीं चढ़ा कि वो करोड़ों के एवज़ अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जलालत खरीदे। ये सीधी सीधी जलालत है, अवाम नहीं माफ़ कर रहे। आप सोचे ना कि लंदन के अंदर क्या हशर होता है इनका, जुनीवा में क्या इनका हाल हुआ है। तो किसी को भी अपने आबाओ अजदाद को, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को गालियाँ दिनवाने का शौक़ नहीं है। वो इस हरे हुए टोले के साथ, इस मुल्क दुश्मन टोले के साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि बोलियाँ 5 करोड़ से शुरू हुई, 75 करोड़ तक पहुँची, लेकिन ये भूल गए कि छांगा मंगा वाला दौर ख़त्म हो गया। ये कोई अखबारी दौर नहीं है कि एक आध न्यूज़पेपर आप कंट्रोल कर लोगे, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल दौर है, जागी हुई बाशऊर अवाम का दौर है। और वो किसी को भी अपने मैंडेट के ऊपर शब खून मारने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। जितना अवाम ने है बेहतर ये है कि आप जाके, जो आपका काम है ना, बड़ा शौक़ था आप लोगों को, वो जो छोटू साहब हैं वो छोटे राम को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, जाके काम करें, जाके अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। इस मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, दहशतगर्दी जहाँ पे हो आपके मुल्क के अंदर जब अमन नहीं है तो खुशहाली किधर से आएगी? फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाएगा, लोग कर्ज़ा देना भी बंद कर देते हैं। लिहाजा आप लोग होश के नाखून लें, सोने की ये जो मुर्गी जिसका नाम पाकिस्तान और इस मुल्क की जीती जागती 22 करोड़ आवाम है, उसको ज़िबा मत करें, वरना यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। शुक्रिया। सर सर ये बताइएगा कि वफाकी वज़रा कल भी यहाँ मौजूद थे, आज भी यहाँ मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं उनके पास कोई काम नहीं, या वो यहाँ पैरा देने के लिए मौजूद हैं, या कोई बुखलाहट है? देखें, बुखलाहट नंबर 1 है। दूसरी, मैंने अर्ज़ की तवज्जो हटाने के लिए अपना काम करने के बजाय इधर हमारे साथ इतने बंदे आ गए, कभी चौधरी शुजात साहब के घर में घुस जाते हैं और ब्रेकिंग बनी रहती है, उतनी देर आप लोग फिर महंगाई, इस मुल्क में बंद होने वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस मुल्क का एक एक कारोबार जो बंद हो रहा है, फिर मीडिया वो नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि ये आए, इन्होंने असेंबली में हुल्लड़बाजी की, इनकी बीबियों ने उछल कूद की, उन्होंने पेपर फाड़ दिए, ये चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, जाएं और अपना काम करें। ये अब कोई यहाँ पे बिकाऊ माल नहीं है, जो लोटे थे, जो बिकने वाले थे, वो दफा हो चुके हुए हैं। ख्वाजा साहब, एक तो ये कि आपका जो इतला है वो ठीक नहीं है, दूसरी जहाँ तक बात है कि जब हमें एतमाद का वोट लेना होगा, आप देखेंगे, आप भी इधर ही हैं ना, आप तो माशाल्लाह यू आर पार्ट ऑफ आर असेंबली,
तो हम अच्छे सरप्राइज इनके लिए हमने भी तैयार करके रखे हुए हैं, आप जरा वो दिन आने दें। अच्छा, लेकिन वो दिन हम इनकी मर्जी से नहीं, हम अपनी मर्जी से लाएंगे जी। देखें जी, वो पंजाब की सियासत में मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन, मुझे वाकई चिढ़ चिढ़ती है, ना 3 में ना 13 में, ना उधर इसका कोई वोट बैंक, ना सीट ले दे के हसन मुर्तजा साहब हैं, वो कभी इनको पढ़ जाते हैं, कभी पीडीएम को पढ़ जाते हैं, उनका सिर्फ इतना ही काम है। देखें, वो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है, वो एक इश्तहार है, सस्ता शोदा इश्तहार। मेरे भाई, ये मेरा ख्याल है, मेरे तो कान पक चुके हैं और आई एम श्योर मीडिया के माइक भी थक चुके हैं ये सुन सुन के। जो करना है करें ना, हम तो इनको दावतनामे भेज रहे हैं। देखिए, गवर्नर आज इन्होंने हमारी परमिशन लेटर से तो लगाना नहीं है, ये भी लगा के देख लें, जहाँ बाकी सब कुछ किया ये करके देख लें राणा साहब। मैडम, नून लीग ने एक करारदाद पेश किया है पंजाब असम्बली में कि इतमाद का वोट लिया जाए, तो क्या समझते हैं कि इतमाद के वोट में तखीर की जा रही है या सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है? मैं ये इसका जवाब दे के इजाज़त चाहूँगी कि पहले ये नून लीग की सफ़ों में बताएं कि इनको अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद है या उस बीबी के ऊपर एतमाद है जिसको इन्होंने अब जिसके लिए लुडियाँ डाल रहे हैं। तो आपस में ये बेयकीनी बेएतमादी का शिकार हैं। हमारा नंबर भी पूरा है, एतमाद भी पूरा है। थैंक यू। हेलो 1 2 3 माइक चेक, ऑडियो चेक। हेलो 1 2 3 माइक चेक।